हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हील हेल्थ विद गुंजन एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज की वीडियो किसी ऑफर के बारे में नहीं है, आज की वीडियो एक स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है किसी की, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिसे मैं बहुत इंप्रेस हूँ और बहुत अच्छा लगता है जब मेरे पास ऐसी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज आती हैं, लोगों की ब्लेसिंग्स आती हैं, लोग थैंक यू बोलते हैं। और बहुत अच्छा लगता है कि मेरी वजह से अगर किसी की लाइफ में चेंज आया, किसी की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उनको अच्छा फील हो रहा है, एनर्जेटिक फील हो रहा है। तो गाइज, आज की वीडियो किसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, उससे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और अगर आप पहली बार आए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मुझे पता है आप सब बहुत एक्साइटेड हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखने के लिए। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज का वीडियो, क्योंकि ऐसी ऐसी वीडियो आप लोगों को बहुत इंस्पायर करती हैं, जिनसे आपको एक मोटिवेशन मिलता है कि यार अगर ये कर सकती है, इनको रिजल्ट्स आ सकते हैं, तो डेफिनेटली मुझे भी रिजल्ट्स आ सकते हैं। और ऐसा होता भी है, हम एक दूसरे से ही मोटिवेट होते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं कि इन्होंने किया है तो डेफिनेटली मैं भी कर सकती हूँ। और ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको जब चीज़ें सिखा दी जाती हैं और बहुत एक बार आप सीख लेते हैं तो नेक्स्ट मंथ आप खुद करना सीख जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जर्नी। और आज की जर्नी में मैं जिनकी बात करने वाली हूँ, जिनकी ट्रांसमिशन जर्नी की बात करने वाली हूँ, वो है ममता जी, जो जिन्हें मैं ममता दी बोलती हूँ। और वो राजस्थान से हैं, स्पेशली जयपुर से हैं। और अगर मैं बात करूँ तो उनको 6 मंथ्स हो चुके हैं इस जर्नी में अभी तक। अब आप सोचेंगे इतना महीना हो गया अभी तक वो यूज़ कर रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं। तो गाइड, मैं हमेशा आपको बताती हूँ, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, कॉल्स आते हैं दिन में, गुंजन मैं 1 मंथ में कितना लूज कर सकती हूँ। एंड आई थिंक गाइज, इसका आंसर इस दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता। और अगर आपको कोई दे भी रहा है तो आई डोंट थिंक कि उनको प्रॉपर नॉलेज है। क्योंकि देखो, अगर आपकी बॉडी में कोई कोई अलार्म सेट नहीं है, कुछ ऐसा कुछ मैकेनिज्म सेट नहीं है जिसमें चेक कर सकते हैं कि आपकी बॉडी 1 मंथ में कितना वेट लूज करेगी, क्योंकि ये सब डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन मैटर करता है। मिनिमम आप 3 to 4 भी कर सकते हैं, मैक्सिमम आप 6 to 7 भी कर सकते हैं, किसी को 10 kgs का भी मैंने देखा, बट आई डोंट नो किसका किस तरह से रिजल्ट आता है। बट जो मुझे लगता है कि आपकी बॉडी आपको खुद डिसाइड करती है कि वो कितना आप लूज़ कर पा रहे हैं, क्योंकि जो पिछले मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस रहा है, मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोगों का 6 to 7 kg भी लूज़ हुआ है और कुछ लोगों का ऐसा हुआ है 3 to 4 भी हुआ है। वो मैटर करता है आपकी बॉडी कैसी है, आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म कैसा है, मेटाबॉलिक रेट कैसा है, और आपकी बॉडी का कॉम्पोजिशन कैसा है, आपके हेल्थ इश्यूज़ कैसे हैं। मे बी किसी को थायराइड है, PCOD है, PCOS है, हॉर्मोनल इम्बैलेंस है, जो कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा सुनने को आ रहा है, बहुत हेल्थ इश्यू इस तरह के आ रहे हैं, किसी को डायबिटिक का इशू है, किसी को BP का इशू है। तो गाइस, ये सब मैटर करता है आपकी बॉडी के हेल्थ इश्यूज़ क्या है, आपका एज फैक्टर क्या है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि अगर आप 45 या 50 प्लस हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर कुछ ना कुछ आपके जो बॉडी का कॉम्पोजिशन है या बॉडी का मेटाबॉलिक रेट है वो काफ़ी कम हो जाता है। जो हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, स्पेशली फीमेल में जो होता है, वो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाता है, जिससे फैट बर्निंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो एज फैक्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी वेट लॉस जर्नी में। तो अगर आप 30 प्लस हैं, 40 प्लस हैं, तो आपका वेट लॉस जर्नी अलग रहेगा। अगर आप 50 प्लस है तो डेफिनेटली आपकी वेट लॉस जर्नी अलग रहेगी, आपकी बॉडी को अलग तरीके से काम करना पड़ेगा, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए बहुत अलग से मेहनत करनी पड़ती है। तो चलिए वापस चलते हैं अपने टॉपिक पर, जो आज हमारा है ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है ममता जी की, जो कि है जयपुर से। और जब इन्होंने स्टार्ट किया था, इनका वेट था 96 और बहुत बॉडी में एनर्जी लेवल नहीं था, जो इनको प्रॉब्लम रहता था कि इनकी बॉडी में पेन रहता था। डेफिनेटली अगर आप 36-37 की एज में 96 आपका वेट है तो आपको हेल्थ इश्यूज आते ही हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, बॉडी में पेन भी होता है और आपका BP का इशू रहता है, बॉडी में खुद को ही अच्छा नहीं लग रहा होता कि आप इस एज में इतने ओवरवेट हैं। तो इन्होंने मुझसे बात की, फिर हमने स्टार्ट किया। और जब इन्होंने स्टार्ट किया तो गुंजन ने मुझसे यही क्वेश्चन पूछा था, गुंजन कि मैं 1 महीने में कितना वेट लूज कर लूँगी। और मैंने इनको यही आंसर दिया था, यदि वेट का मुझे नहीं पता है लेकिन आपका इंच लॉस होगा वो मेरी गारंटी है। और यही हुआ। और जब इन्होंने स्टार्ट किया, उन्होंने खुद मुझे अपनी पिक्चर्स भेजी आफ्टर आई थिंक 12 डेज कि देखो दी, मुझे मेरा वेट तो सिर्फ 1 kg गया है, 95 शो कर रहा है, बट मुझे टमी में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लाइट फील हो रहा है, बॉडी में लाइट फील हो रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी ये ड्रेस जो है, जिसमें मैंने आपको फोटो भेजी थी, उसमें मुझे कमर से बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया है। जो इनके इंचेस हैं आप देख सकते हैं, इन्होंने खुद भेजा है कि मेरे 2 inches कम हुए हैं कमर से विद इन 12 days। सो गाइज, व्हाट इज़ दिस? ना मैंने इनको वेट का बताया था, ना मैंने इन चीज़ का बताया था, आपकी बॉडी खुद डिसाइड करती है। बट आपको फुल डेडिकेशन देना है, ऑनेस्ट रहना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम शुरुआत तो कर देते हैं कि हमें करना है, विद इन 1 week हम बोर हो जाते हैं और फिर हम चीट मील शुरू कर देते हैं, पार्टीज़ में जाना शुरू कर देते हैं, घर में कोई फंक्शन आ जाता है, बर्थडे है, एनिवर्सरी है, और इंडिया में आपको पता है कितने फेस्टिवल्स रहते हैं। तो गाइज, अगर 2-3 महीने आप इन सबको
थोड़ा इग्नोर कर देते हो या कम खा पी लेते हो, तो बेनिफिट आपको ही होने वाला है, क्योंकि ये चीज़ें तो लाइफ टाइम आपने रहनी ही है। बर्थडे, एनिवर्सरी, फेस्टिवल्स, ये लाइफ टाइम आपके पास रहेगा। बट जो जर्नी आपने स्टार्ट किया है, अगर आप इसमें कंसिस्ट रहते हैं, कंसिस्टेंसी इज़ द की, अगर आप इसको अच्छे से करते हैं एटलीस्ट 3 मंथ्स, 2 मंथ, जो आपका इशू है, जो आपका गोल है, जो आप अचीव करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप उसमें सक्सेस होते हैं। तो यही इन्होंने की है, बिल्कुल इन्होंने अपना 100% दिया, जी जान लगा दी, बहुत अच्छे से इन्होंने सब कुछ फॉलो किया, और इनको धीरे 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 अच्छे अच्छे रिजल्ट्स भी मिलने लगे। और उसके बाद इनका जो एक बॉडी में नो एक कॉन्फिडेंस आता है, जो कॉन्फिडेंस आया धीरे धीरे, और इनके इंचेस बहुत अच्छे गए, हमने वेट पे भी ट्रैक किया और इंचेस पे भी ट्रैक किया। बट इनके केस में क्या हुआ, जो इनका इंचेस था, इंच लॉस था, वो बहुत अच्छा हुआ। इनके कपड़ों का साइज नो जो पुराने कपड़े थे, कपड़ों का जो साइज था डबल एक्सल से, वो धीरे धीरे कम हुआ, और जो पुराने सूट थे वो आने लगे। इन्होंने मुझे फोटो भेजी, गुंजन देखो मेरे पुराने सूट में भी मुझे फोटोज आ रही हैं, लोग मुझे नोटिस कर रहे हैं, स्पेशली मेरी फ्रेंड्स मुझे नोटिस कर रही हैं कि कुछ चेंजेस हो रहे हैं आपकी बॉडी में। तो गाइज अब आप देख रहे होंगे कि ना इन फोटोज में आपको पता चल रहा है कि डेफिनेटली कमर से, टमी से, बैक से वेट जा रहा है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि हम फोटोज नहीं देंगे, आप सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हो, गाइज इनकी परमिशन से ही मैं ये अपलोड कर रही हूँ। डेफिनेटली मैं फेस शो नहीं कर रही हूँ, बट मुझे फोटोज इसलिए ही चाहिए होती है क्योंकि ये एक ऐसा प्रोग्राम है, कई बार हमारा वेट बहुत अच्छा जाता है, डेफिनेटली आपका वेट लॉस हो जाता है, इंच लॉस भी बहुत अच्छा होता है, बट कई बार आपको लगता है कि वेट स्टक है, प्लेटो हो गया है, तो यहाँ पर ये फोटोज काम करती हैं। कई बार इंचेस में, इंच टिप में भी आपको पता नहीं लग रहा होता है, लेकिन कपड़े लूज हो रहे होते हैं। ऐसा ऐसा भी मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है कि ना तो इंचेस, इंच टिप में फर्क मिलता है, ना वेंग स्केल पे फर्क मिलता है, लेकिन कपड़े लूज हो रहे होते हैं। दैट मीन्स आपकी बॉडी इंटरनली ही अपने चेंजेस हो रहे हैं। और जब आपको लगता है ना कि वेट स्टक हो गया है, तो डेफिनेटली वहां पर आपको सबसे ज्यादा किसकी जरूरत होती है, दो लोगों की, एक आपके मेंटोर की जो आपको गाइड कर सके और जो आपको थोड़ा मोटिवेट कर सके। क्योंकि सबसे ज़्यादा जल्दी जल्दी क्या होता है कि अगर हफ्ते 10 दिन में आपको लगता है ना कुछ भी चेंज नहीं हुआ, 1 kg, 50 ग्राम, 5 ग्राम, 100 ग्राम भी चेंज नहीं हुआ, वहीं पर ही आप डिमोटिवेट हो जाते हो और ड्रॉप कर देते हो। तो ये सबसे गलत पॉइंट रहता है गाइस, बी मोटिवेट। ये आपकी बॉडी है, अपने हिसाब से चेंज करेगी, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं है आपका, आप गलत खा रहे हो, ऐसा भी नहीं आपका मेंटोर गलत है, बट हो सकता है कई बार आपकी बॉडी को टाइम चाहिए। और अगर वेट नहीं जा रहा, आपका वेट स्टक हो चुका है, तो वहां पर आपको ये जरूर याद रखना है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर हो रहे होंगे। अगर आपने डाइट चेंज नहीं किया है, आपने शुगर ऐड नहीं किया, मैदा नहीं खा रहे हो, ज्यादा तला हुआ नहीं खा रहे हो, तो डेफिनेटली आप प्रॉपर डाइट फॉलो कर रहे हो, वेट स्टक है, तो आप बी श्योर कि चेंज आएगा, चाहे वो 10 दिन बाद आए, चाहे वो हफ्ते बाद आए, चाहे 15 दिन बाद आए। वहां पर आपको कंसिस्ट रहना है और अपने मेंटोर के टच में रहना है। डेफिनेटली कई बार क्या होता है कि हमारी जो बॉडी होती है उसमें वाटर रिटेंशन हो जाता है, ब्लोटिंग हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, पीरियड्स के इशू में वो आपका वेट बढ़ जाता है, तो वहाँ पर ये चीज़ें हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से वुमेन के साथ ये होना नॉर्मल है। तो वहाँ पर आप डीमोटिवेट मत होइए। और अगर इनमें से कोई भी इशू नहीं है, फिर भी आपको लगता है कि वेट स्ट्रक है, तो डोंट वरी, आप अपने डाइट पे पूरा फोकस रखिए, एक्सरसाइज करते रहिए, अपनी मेंटोर के टच में रहिए, डेफिनेटली आपका इंच लो जरूर होगा, इस बात की मेरी श्योरिटी है आपको। कई बार बॉडी आपकी टाइम लेती है, तो यही इनके साथ भी हुआ है। इनका भी जो स्टार्टिंग में वेट था ना, बहुत धीरे धीरे गया, मे बी 1 मंथ में 1 to 2 kg गया शायद इस तरह से, फिर धीरे धीरे वेट में भी अच्छा चेंजेस आया। ये मुझे कॉल करके कहती थी, गुंजन दी वेट नहीं जा रहा है, मतलब मुझे इंचेस में फ़र्क लग रहा है, वेट नहीं जा रहा है बट मुझे इंचेस में फ़र्क लग रहा है। तो मैं इनको कहती थी, आपको क्या चाहिए, आपकी फिजिकल अपेयरेंस अच्छी होनी चाहिए, आप लोगों को अच्छे दिखने चाहिए, आप पुराने कपड़ों में फिट आने चाहिए, आपको एनर्जेटिक फील होना चाहिए, आपका स्किन अच्छा होना चाहिए, आपके जो हेल्थ इश्यूज हैं, जो बॉडी में पेन रहता है, जो आप योगा नहीं कर पाते हो, वो अच्छे से करवाना चाहिए, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए, या आपका नंबर कम होना चाहिए। तो गाइज हमें ये अपनी जो हमारी जो मेंटिलिटी है ना कि वेंग स्केल पे हर दिन नंबर नंबर कम होना चाहिए, उसको चेंज करना है। अगर आपके कपड़े लूज हो रहे हैं, आपको बॉडी में लाइट फील हो रहा है, स्किन में चेंज फील हो रहा है, हेयर फॉल में चेंज फील हो रहा है, एनर्जेटिक आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ रहे हैं, बच्चों के साथ खेल पा रहे हैं, सीढ़ियाँ भाग भाग के ऊपर नीचे उतर पा रहे हैं, चढ़ पा रहे हैं, और क्या चाहिए यार, उस नंबर को जस्ट इग्नोर कर दो, आप मत उस पर इतना फोकस करो यार, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा। अगर आपका इंच लॉस ज्यादा है, वो हमेशा हेल्दी वे होता है, आपका वेट जल्दी जल्दी जा रहा है, तो आपकी बॉडी में से वाटर भी कम होता जा रहा है, आपकी बॉडी का मसल मास भी कम हो रहा है। बट अगर आपका इंचेस जा रहा है, उसमें क्या होता है, आपकी बॉडी का मसल मास बनता है, और जितना आपका मसल मास बनेगा, उतना आपका ज्यादा फैट लॉस होता है, ये बॉडी का रूल है, जितना मसल मास बनता है उतना फैट लॉस अच्छा होता है। और अगर आप हमारी टिम की बोतल पे पढ़ोगे ना, बाहर लिखा हुआ है बिल्ड मसल्स, इसी टिम के साथ इंच लॉस होता है, ये बॉडी का रूल है, जितना आपका मसल्स बढ़ेगा उतना आपका फैट लॉस होगा।
इसलिए जब लोग कहते हैं ना कि मुझे इंच लॉस करना है, मुझे बेली फैट कम करना है, तो वो ट्रिम से बहुत अच्छा होता है। इस पर स्पेशली मेंशन है बिल्ड मसल्स, तो ये बहुत बहुत अच्छा पॉइंट रहता है ट्रिम के साथ ही अगर आप वेट लॉस करते हैं तो। तो अब बात करते हैं वापस उन्हीं की। तो इन्होंने बहुत अच्छे से अपना सब कुछ फॉलो किया, हालांकि वेट कम जा रहा था, बट मैंने इन्हें समझाया ये सब चीज़ें जो मैंने आपको भी बताई है। तो इन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मुझे बॉडी को शेप में लाना है, एक अच्छा हेल्दी लाइफ स्टाइल जीना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इनको चीज़ें समझ आ गई, फिर इन्होंने कभी मुझसे वेट की बात की ही नहीं कि मेरा इतना है 1 मंथ बाद, 2 मंथ बाद, वीक बाद, इट्स ओके। इन्होंने सब कुछ लेना, डाइट फॉलो किया, सब कुछ अच्छे से फॉलो करते रहे, और आप देख सकते हैं किस तरह से जो उनका ट्रांसफॉर्मेशन है और अभी भी चल रहा है। इन्होंने बोला है अभी मैं इसको कंटिन्यू करना चाहती हूँ। और देखो गाइस, ये वेट लॉस एक जर्नी है, तो आप इसको बहुत शॉर्ट गोल लेके मत चलो कि मैं मुझे 15 दिन में, 1 मंथ में मुझे ऐसे से ऐसे होना है, वैसे से वैसे करना है। आप कोशिश कीजिए, आप अपना 100% दीजिए, बट डेफिनेटली आपकी बॉडी खुद से डिसाइड करती है कि कहाँ से क्या होना है। तो गाइस, उन चीज़ों को इग्नोर करके आप सिर्फ अपनी डाइट पर ध्यान दीजिए, अपने मूड पर ध्यान रखिए, अपने स्ट्रेस लेवल को कम कीजिए, नींद पूरी लीजिए, रात को टाइम से सोइए, क्योंकि ये सब चीज़ें भी आपके वेट लॉस को इफेक्ट करती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने तीनों टाइम अच्छा हेल्दी खाना खाया और अपने सप्लीमेंट भी टाइम पर ले लिया, अपने दिन में एक्सरसाइज भी कर लिया, और रात को आप पूरी रात फोन चला रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, 2 बजे सो रहे हैं, सुबह 6 बजे उठना पड़ता है, जॉब पर जाना है, तो वहाँ सर आपकी नींद कम हो रही है, सिर्फ आप 4 से 5 घंटे की नींद ले रहे हैं, तो और पूरा दिन आपको स्ट्रेस रहता है काम का या घर का, तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करती हैं। ऐसे जो हॉर्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो सब चीज़ों पे ध्यान रखिए, अपने वाटर इनटेक पे, स्ट्रेस लेवल को कम रखिए, नींद पूरी कीजिए, और इसके साथ साथ अपनी डाइट और न्यूट्रिशन तो आपको टाइम पे लेना ही रहता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं अगर आप इन सबका भी ध्यान रखते हैं तो। तो गाइस, इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, ताकि आप लोगों भी कुछ सीख सके, इंस्पायर हो सके। तो अब मैं सुनाती हूँ इनकी कहानी, इन्हीं की जुबानी, जो कि इनको कैसा फील हो रहा है, इन्होंने किस तरह से इसको स्टार्ट किया और ज्वाइन किया, ताकि आपको लगे कि जो भी मैंने आपको बताया है वो सच है, और इसके साथ साथ आप लोग इनसे कुछ सीख सकें कि अगर आपको वेट लॉस करना है, इंच लॉस करना है, तो आपके पास सबसे पहले आपके पास अपनी ये माइंडसेट होना चाहिए कि हमें कम से कम 3 महीने कंसिस्ट रहना ही रहना है, तभी आप अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं इनकी कहानी, इन्हीं की जुबानी। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, काफी कुछ आपने। मैम, मैं जयपुर से हूँ और मैं भी अपने वेट को लेके बहुत काफी परेशान रहती थी, तो मुझे, मैं भी यूट्यूब चला रही थी, तो मेरे को गुंजन मैम का कुछ वीडियो दिखे मॉडरे का, तो फिर मैंने उनको क्लिक किया और उनका कॉन्टेक्ट नंबर निकाला और उनसे मैंने बात की। मुझे इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मैंने इनसे ये कहा मेरे को वेट बहुत है, मुझे वेट कम करना है, तो उन्होंने कहा ठीक है आपको मैं प्रोडक्ट के, उन्होंने मुझे बहुत सी शेयरिंग की, मैंने उनको देखा, मैंने कहा चलो ठीक है, 2 दिन निकाले, मैंने कहा नहीं अब मुझे ये लेने ही है, तो मैंने गुंजन मैम से कहा कि मुझे आप ये भिजवाइए, तो इन्होंने मुझे कोरियर किए, मैंने उन सारे प्रोडक्टों को अच्छे से समझा और उन्हें लिया। मैं इनको कंटिन्यू करती रही, कोई भी बात प्रॉब्लम होती मैं गुंजन मैम से कहती, गुंजन मैम कहती नहीं नहीं ठीक हो जाएगा, आप करो इसको कंटिन्यू, फिर मैं उसको करती रही। आज मेरा प्रेजेंट वेट जो है, पहले मैं इनको कहती थी मैम मेरा नंबरिंग में वेट कम नहीं हो रहा, बोले कोई बात नहीं आपका इंच लॉस बहुत अच्छा हो रहा है, और मेरा इंच लॉस भी काफी अच्छे होने लगे, जो जो सूट नहीं आते थे वो मुझे अब इतने अच्छे से आते हैं, पर सब जने कहते हैं, बाहर जाती हूँ सब जने यही कहते हैं आपका वेट काफी कम हुआ है, मैं कहती हूँ हाँ अच्छा है, मुझे भी बहुत अच्छा फील होता था। फिर जब मैं अभी, मुझे काफी हेल्थ इश्यू भी थे, मुझे काफी परेशानियां भी रहती थी, मैं चलती नहीं थी इतना ज्यादा, वाओ बहुत वीक वाओ, थी, मॉडरेट मैंने प्रॉपर लिए, मैम गुंजन मैम ने मुझे बहुत अच्छे से गाइडिंग की, पर मुझे बहुत खुशी है मेरा वेट भी कम हो गया और इंचेस भी काफी लूज है, और मेरा 17 किलो वजन कम हुआ है 6 मंथ में। आई थिंक दिस इज अ बिग अचीवमेंट कि इतना अच्छा आपने इंच लॉस किया है, वेट लॉस किया है, और आपने स्किन के बारे में नहीं बताया जो हमारी, जो आपको स्किन में लगता है, मुझे भी बहुत हाँ, पे चेंज है वो स्किन, अभी कोलेजन मैंने के फेस बारे में भी, हाँ नहीं वो भी मैंने काफी, मेरे फेस पे काफी वो बहुत सारे दाने थे, और एक्चुअल में मेरे फेस बहुत अजीब सा दिखता था, तो उसमें कोलेजन लिया मैंने कंटिन्यू, उससे मेरे फेस में ग्लो आने लगे, सब जने यही कहते थे क्या सारा दिन पार्लर में ही बैठी रहती है क्या, मैंने कहा हाँ मैं सारा दिन पार्लर नहीं कोलेजन लेती हूँ, उससे ही मेरा फेस क्लीन हुआ है, तो बोलते हैं अच्छा हमें भी दिलाओ अब वो कोलेजन क्या है, अब काफी लोग हैं जो मेरी फ्रेंडें बोलती है हमें भी कोलेजन चाहिए, मैंने कहा ठीक है मैं गुंजन मैम से बात कराऊंगी, वही बताएंगी आपको कैसे लेना होगा।
ठीक है, थैंक यू सो मच. डेफिनेटली ममता दी, आपका हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया है तो आपके फ्रेंड्स का, फैमिली का भी डेफिनेटली करेंगे. सो आई थिंक आपके पास एक मेंटोर का होना तो जरूरी है ही, आपके पास एक अच्छे सप्लीमेंट न्यूट्रिशन का होना जरूरी है, बट उसके साथ साथ आई थिंक आपकी फुल डेडिकेशन, आपका माइंडसेट, आपका पेशेंस भी बहुत मैटर करता है. क्योंकि कई बार बहुत सारे रीजन होते हैं, आपका वेट स्टक हो जाता है, वेट नहीं जा रहा होता लेकिन आपको लगता है कि अब कुछ नहीं हो रहा है, 1 month में कुछ फील नहीं लगता है, आपको लगता है कि पैसे भी खर्च किए हैं, बट कई बार वो वहीं पर ही काम हो रहा होता है बॉडी पर, और कुछ टाइम बाद हमें रिजल्ट नजर आता है. तो डेफिनेटली हमें एक मेंटोर चाहिए, एक न्यूट्रिशन चाहिए, अच्छी डाइट चाहिए, उसके साथ साथ एक पॉजिटिव माइंडसेट भी चाहिए. कंसिस्टेंसी इज द की, जो ऑलवेज रहता है. ये सब चीजें भी मैम बहुत बड़ा. प्रोडक्ट से ज्यादा मैम गाइडिंग रहती है, आपका हाँ, जो गाइडिंग का साथ रहा ना बहुत अच्छा रहा हमारे लिए, बहुत अच्छा क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं. जी। उसका रीजन भी रहता है कि हम लोग अपने आप को खुद से कंपेयर नहीं करते. जो मुझे लग रहा है आज के टाइम में, हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं कि उसने रील में बोला है 1 month में 5 kg, 1 week में 2 kg, तो हमें लगता है कि मेरे साथ भी सेम ऐसा होना चाहिए, और हम वहीं हाँ पर माइंडसेट बना लेते हैं उसके साथ खुद को कंपेयर करने का. मैं तो बोलती हूँ एक फीमेल के लिए एक बार नहीं बहुत लेडीजों को यही बोलूंगी कि इस चीज को करना चाहिए उनको, हर मॉडरेट प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे डेफिनेटली हैं। डेफिनेटली. आप देखो, आप भी किसी के लिए इंस्पिरेशन हो, आपसे लोग बहुत कुछ सीखेंगे, आपने किस तरह से किया. डेजी है, मैं हूँ, डेफिनेटली हम बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज करेंगे, और यहाँ पर हमें ब्लेसिंग्स मिल रही हैं कि जब जी आपके मैम आपके लिए कोई अच्छा बोलता है, डेफिनेटली उनका, आप उनको गाइड करते हो, बताते हो, तो कहीं ना कहीं किसी दिन उनके माइंड में जरूर आएगा, उसने मुझे बताया था और उसकी वजह से आज मैं ऐसी हूँ, तो थैंक यू सो मच. तो वो आज के टाइम में थैंक पैसा कमाना आसान है लेकिन यू, ब्लेसिंग कमाना बहुत मुश्किल बहुत है. मुश्किल है। आपको तो बहुत होंगी मैम, बहुत होंगी। नहीं नहीं, गालियां भी नहीं आती हैं कई बार. वो गालियां फिर लगती नहीं है, ब्लेसिंग बहुत हाँ, होती है ना, तो उसमें वो गालियां काम नहीं करती हैं। नहीं, थैंक यू सो मच. आप सबका, आप जैसे बहुत सारी सिस्टर्स बन रही हैं, फ्रेंड्स बन रही हैं, ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है. तो थैंक यू सो मच ममता जी, आपका अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, और मैं आपको बुलाती रहूंगी कभी कभी, ताकि आप बार बार आए, लोगों को थैंक मोटिवेट करें, अपनी जर्नी शेयर करें. सो थैंक यू सो मच, थैंक यू. यू। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, काफी कुछ आपने सीखा होगा कि वेट लॉस एक जो लॉन्ग जर्नी है जिसे आपको अपने मेंटोर के साथ तय करना होता है. डिपेंड करता है किसके लिए जर्नी कितनी लंबी है, एज टू एज मैटर करता है, वेट टू वेट मैटर करता है, आपके हेल्थ इश्यूज मैटर करते हैं. आई थिंक आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर करेंगे, और अगर आपको इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखनी है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो ऑल्सो, एंड थैंक यू सो मच, एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.